कुछ दिन पहले मैं एक स्टोरी के साथ आई थी। रांची अब धरनाओं का हब बन चुका है और आज फिर मैं उसी राजभवन के पास पहुंची हूं, जहां पर ये एक धरना स्थल नहीं, ये घर बनने वाला है। और आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो मच्छरदानी लग चुका है, यहां पर टेंट लग चुका है और ये शायद ही अब घर बनने जा रहा है। ऐसा धरना स्थल वाले कह भी रहे हैं कि यहाँ पर ढलाई होना स्टार्ट हो जाना चाहिए और घर बन जाना चाहिए। और शायद ये जो है धरना, ये तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी उस तरफ धरना होता था 1932 खतियान को लेकर, शायद आपको याद होगा। इस स्टोरी के साथ भी मैं आई थी 1932 खतियान, ये न्यूज़ मैंने आपको काफ़ी दिखाया था, काफ़ी लगातार ये चला था। और वही उसके दूसरे पार अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा। धरना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अब घर बनने जा रहा है। ये धरना स्थल नहीं, ये घर बनने जा रहा है। कुछ लोग आज ये स्थल को देखने भी पहुंचे हैं कि यहाँ पर धरना हम देने आएंगे कुछ दिन के बाद, तो ये कैसा स्थल है, या फिर ये रांची कैसी है, या फिर यहाँ बैठने का जगह कैसा है। और आइए आज हमारे साथ जो हमें अभी बताए हैं कि अब ढलाई होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्यों रांची, क्यों राजभवन धरना स्थल छोड़ के घर बन जाना चाहिए। ये जो आप अनिश्चितकालीन सत्याग्रह को लेके धरना पे बैठे हैं, तो ये धरना स्थल है या फिर आप इसको घर बनाने जा रहे हैं? ये धरना स्थल है, घर बनाना क्यों चाहेंगे हम? जो अपन अधिकार के लिए जो बैठे हैं सरकार की ओर से, अंधी लंगड़ी और बहरी सरकार की ओर से, यहाँ हम लोग का पूरे एरिया ही हम लोग है, हम लोग का है, हम लोगों का, तो यहाँ घर बना के हम क्या करेंगे? जो अधिकार संवैधानिक अधिकार है हम लोग का शेड्यूल एरिया के तहत, जो 244 वन के तहत संचालित होना है, विद्यमान विधि के तहत हम लोग को पूजा पद्धति के आधार पर जाना है, तो हम यहाँ घर क्यों बनाएंगे? लेकिन हम लोग का सरकार से जो गुजारिश है कि हम लोग का 244 वन के तहत जो संचालित हो रहे हैं, यहाँ हम लोग का शेड्यूल एरिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो करा रहे हैं, किस आधार पर करा रहे हैं, संविधान का कौन धारा बोलता है कि हम लोग का शेड्यूल एरिया में ये किस आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करा रहे हैं? इसके चलते हम लोग जो धरना में बैठे हुए हैं, ये हम लोग का अनिश्चित लगे जब तक हम लोग का बात सरकार नहीं सुनती है। पर कुछ समय पहले जो अभी हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ढलाई हो जाना चाहिए और घर खड़ा हो जाना चाहिए। देखिए, आदमी को परेशान जिंदगी में जिंदगी भर परेशानी है, आंधी से, तूफान से, हर तरह से। तो बहुत ऐसा आदमी है कि हमको थोड़ा सा ऊपर से धूप से बचे, हर कोई आदमी चाहता है धूप से बचे, पानी से बचे, कोई तूफान से बचे। तूफान से बचने के लिए अगर कोई बना देता है तो अच्छा बात है, अगर सरकार बना देते तो अच्छा बात है। अगर हम लोग अपने से सोचे, अगर हम लोग अपने से सोचते तो अपना बना लेते आज तक। आप तो यहाँ मच्छरदानी लगा लिए हैं, टेंट लगा लिए हैं, तो शायद ये तो अब घर ही की तरह बनता चला जा रहा है, एक मकान भी खड़ा हो जाएगा अब तो। ये तो एक तंबू की तरह कहीं भी लगा के आदमी रह सकता है, जंगल में, झाड़ में, रोड में, बाट में, गाँव घर में, कहीं भी तंबू लगा के रह सकता है, इसमें किसी तरह का दो मत का बात नहीं है। तुरंत उठाए, तुरंत चले, लेकिन सरकार जब तक नहीं सुनती है, हम लोग इसको और अच्छी तरह से तिरपाल उरपाल फिर लगाएंगे और फिर अच्छी तरह से तंबू की तरह बनाएंगे। आइए उनसे बात करते हैं जो ये धरना स्थल को देखने आए हैं और ये देखने आए हैं कि क्या ये धरना स्थल उनके लिए सही है या फिर यहाँ पर बैठने के लिए जगह है या नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं। आप इस धरना स्थल को देखने आए हैं, यहाँ पर घूमने आए हैं, या फिर देखने आए हैं कि ये यहाँ पर बैठने की जगह है या नहीं है, और या फिर किस चीज़ को लेकर के आप आए हैं? मैं यहाँ देखने आया हूँ कि मैं धरना देने के लिए आने वाला हूँ, इसके लिए सारा व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ कि बाथरूम है कि नहीं, पानी उनी का व्यवस्था है कि नहीं, कैसा है व्यवस्था। ये व्यवस्था हम देखने आए हैं कि अगर व्यवस्था अच्छा है रहेगा तो आदमी जो धरना देगा उसको कठिनाई नहीं होगा, बाथरूम का कठिनाई नहीं होगा, जो पानी उना पीने खाने का जो तो उसका दिक्कत ना होगा, लेकिन यहाँ पर तो देख रहे वैसा कुछ नहीं है। औरों का कहना है कि ये जो धरना स्थल है इसको वो अपना घर बना लेंगे कुछ दिन बाद, जैसे मच्छरदानी लग चुका है बगल में, आप देख ही रहे होंगे। तो क्या आप भी आएंगे, तो क्या आप भी इसको अपना घर बना लेंगे? हाँ, बस वैसे ही कि हम लोग भी अपना इसी तरह, मान लीजिए अपना मांग को झारखंड सरकार को बताने के लिए आएंगे, तो हम लोग इसी तरह पूरा अपना जो मच्छरदानी आप जो बता रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग भी बना के बैठेंगे यहाँ पे। जैसे ही अगर हम किसी ज़मीन को ख़रीदने जाते हैं तो हम पहले देखने जाते हैं वो प्लॉट सही है, वहाँ की बाउंड्री सही हो सकती है या नहीं हो सकती है,
और वैसे ही ये जो रांची, राजधानी रांची का जो राजभवन के पास धरना स्थल है, इसको लोग अब दूर दूर से देखने आया करते हैं कि ये धरना स्थल सही है, ये एक प्लॉट की तरह बन चुका है। इसको लोग देखने आते हैं, क्या यहाँ बैठने की सुविधा है, क्या यहाँ हम अपना टेंट बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर वॉशरूम की सुविधा है या नहीं, एक बाथरूम की सुविधा है या नहीं, यहाँ पर सब देखने आया करते हैं। और इस ये शायद अब कुछ दिन के बाद घर बन जाएगा, यहाँ पर ढलाई होनी स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा लोग कह रहे हैं, धरना स्थल पर बैठे लोग कह रहे हैं। आगे देखते हैं कि क्या होता है और क्या होने वाला है। ये देखने के लिए आप हमारे खबरों के साथ जुड़े रहें, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।